नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है शाहीन बाग से। आपको बता दूं कि दिल्ली के शाहीन बाग में अब कुछ ऐसा मिला है जिसे देखकर केजरीवाल और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए हैं। मित्रों, आपको बता दूं कि खबरें ये आ रही हैं कि शाहीन बाग में लाशें बिछा दी गई हैं। जी हां मित्रों, आपको बता दूं कि शाहीन बाग 83 दिनों से ज़ियादी भीड़ ने इस रास्ते को बंद करके रखा हुआ है, जैसे इनके अब्बू जान का ये रास्ता हो। 83 दिन हो चुके हैं लेकिन इस रास्ते को ये ज़ियादी भीड़ खोलने को राजी नहीं है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि शाहीन बाग में लाशें बिछ गई हैं। मित्रों, पूरी खबर आपको बताऊंगा लेकिन कमेंट में मुझे ये बताएं कि शाहीन बाग के इस ज़िहादी भीड़ के साथ क्या किया जाना चाहिए। होली का त्योहार सर पर है और ऐसे में भी शाहीन बाग की ये ज़िहादी भीड़ इस रास्ते को खोलने को राजी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि शाहीन बाग में जिन लोगों की दुकानें हैं, जिन लोगों को शाहीन बाग के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, अपने ऑफिस जाना पड़ता है या अपने स्कूल जाना पड़ता है, तो वो बच्चे ना तो स्कूल जा पा रहे हैं, लोग अपने दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और पहुंच भी रहे हैं तो दूसरे साधनों से पहुंच रहे हैं देर के साथ। लेकिन ये ज़िहादी भीड़ उठने को राजी नहीं है और कहना सिर्फ यही है कि जब तक नागरिकता संशोधन कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम हटेंगे नहीं। लेकिन मित्रों, आपको बता दूं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच से यह ऐलान कर चुके हैं कि नागरिकता संशोधन कानून से रत्ती भर भी पीछे नहीं हटा जाएगा। ये इस ज़िहादी भीड़ को समझ लेना चाहिए, ये उस हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए, ये तमाम उन पार्टियों को समझ लेना चाहिए जो ये कह रही हैं कि नागरिकता संशोधन कानून वापस लिया जाए। मित्रों, आपको बता दूं कि शाहीन बाग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दो वार्ताकार भी नियुक्त किए थे। वार्ताकार 3 दिन पहुंचे भी, वार्ता करने की कोशिश भी की गई लेकिन ज़िहादी भीड़ नहीं मानी, ज़िहादी भीड़ ने मना कर दिया। यहां तक कि दिल्ली में 3 दिनों तक जमकर हिंसा का नंगा नाच हुआ, 48 से ज्यादा लोग इस हिंसा की भेंट चढ़ गए लेकिन शाहीन बाग की यह ज़िहादी भीड़ अपने यहां से नहीं हटी। लेकिन मित्रों, आपको बता दूं कि फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि शाहीन बाग में अब लाशें बिछा दी गई हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में 2 अलग-अलग जगहों पर 3 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दूं कि 1 शव यमुना नदी के किनारे मिला है जबकि 2 शव शाहीन बाग के नाले में मिले हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त दिल्ली में हिंसा हुई थी उस वक्त भी दिल्ली के कई नालों में कई शव मिले थे। इसमें आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का शव भी शामिल था जो कि ताहिर हुसैन के घर के बाहर जो नाला है उसमें से आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का शव मिला था। तो शव मिले थे दिल्ली हिंसा के दौरान और ये शव जो है वो नालों से बरामद किए गए थे। लेकिन अब बेहद हड़कंप मच गया है जब शाहीन बाग के इर्द गिर्द वाले इलाकों से 3 शव मिले हैं और आपको बता दूं कि इनमें से 1 शव की शिनाख्त कर ली गई है। तो मौत की वजह की जांच कर रही है पुलिस के ये शव कहां से आए और किसने इनकी हत्या की। लेकिन नदी में मिले हुए शव के बारे में पुलिस का कहना है कि ये 3 मार्च से हरिनगर थाने से लापता थे जिनका ये शव बरामद किया गया है और इनका शव शुक्रवार को मिला है। साउथ ईस्ट दिल्ली के DCP RP मीणा ने बताया है कि शुक्रवार दोपहर 12:04 पर पुलिस को यमुना नदी में एक शव के बारे में सूचना मिली थी और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इस शव को नदी से बाहर निकाला। बाद में मृतक की पहचान मदन थापा के रूप में हुई है। इसके अलावा 2 और शव मिले हैं जो कि शाहीन बाग का जो नाला है वहां से मिले हैं। इससे पहले शाहीन बाग के नाले में कंडोम मिलने की खबरें आ रही थी, सोशल मीडिया पर यह खबर तमाम तरीके से सोशल मीडिया पर फैल गई थी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जिस तरीके से शाहीन बाग को लेकर खबरें चल रही थी कि शाहीन बाग में गाड़ियां ज्यादा हिल रही हैं, शाहीन बाग में जो लंगर चलाने वाले थे उन्होंने 1300 महिलाओं को प्रेग्नेंट कर दिया है यानी उम्मीद से कर दिया है, तो ये तमाम खबरें शाहीन बाग के बारे में चल रही थी। लेकिन अब शाहीन बाग में जिस तरीके से लाशें मिल रही हैं, एक के बाद एक लाश मिल रही है, तो उसने माहौल गर्मा दिया है दिल्ली का और दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस इन तीनों ही मामलों में जांच कर रही है कि आखिर ये लाशें किसकी हैं और ये लाशें यहां पर पहुंची कैसे, कैसे इनकी हत्या की गई, तो इन सब पहलुओं की जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह मित्रों कि शाहीन बाग से ही ये लाशें क्यों मिल रही हैं। शाहीन बाग को 83 दिन हो चुके हैं, ज़िहादी भीड़ बंद करके बैठी हुई है और कहना तो यह है कि हम ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, आपको बता दूं कि ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये ड्रामा है। बिल्कुल, ये ड्रामा है और हॉक फीड न्यूज ये दम मतलब
डंके की चोट पर कहता है कि ये प्रोटेस्ट नहीं बल्कि ड्रामा चल रहा है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शाहीन बाग में जिस तरीके से शर्जील इमाम का वीडियो वायरल होता है शाहीन बाग से, और जो कहता है कि असम को भारत से काट देंगे, शाहीन बाग में जिस तरीके से मां काली को हिजाब पहना दिया जाता है, शाहीन बाग में जिस तरीके से एक हिंदू लड़की को हिजाब पहना दिया जाता है, तो ये सब कुछ चल रहा है शाहीन बाग में। शाहीन बाग में इस वक्त माहौल ऐसा है कि जिसको भी देश विरोधी बात करनी है वो तुरंत जाकर मंच पर पहुंच जाता है और मंच पर देश विरोधी बात करके नीचे उतर आता है। दादियों ने मोर्चा संभाल रखा है, औरतों ने मोर्चा संभाल रखा है, और वारिस पठान कहता है कि ये शाहीन बाग की शेरनियां हैं। लेकिन मित्रों आपको बता दूं कि ये शाहीन बाग की शेरनियां नहीं, ये क्या कहूं मैं, बकरियां भी नहीं है। क्योंकि शाहीन बाग में आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं वो ये कि शाहीन बाग में आपसी इन लोगों में फूट पड़ चुकी है। एक दादी कुछ मंच से ऐलान करके आती है तो दूसरी दादी उस ऐलान को खत्म कर देती है, एक दादी मीडिया के सामने आकर कुछ ऐलान करती है तो दूसरी दादी उसी ऐलान को आकर 2 मिनट में धोकर रख देती है। इस तरीके का माहौल इस वक्त शाहीन बाग में बन चुका है, और वो दिन दूर नहीं जब शाहीन बाग की ज्यादा भीड़ खुद ब खुद उड़ जाएगी, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको बता दूं कि 23 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी है और 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस बारे में फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जो डेट है अगली वो 23 मार्च तय की गई है, और 23 मार्च को शाहीन बाग मामले पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 वार्ताकारों को भेजा था, साधना रामचंद्रन और हेगड़े, ये दोनों पहुंचे थे, लेकिन इन्होंने 3 दिनों तक वार्ता करने की कोशिश की, पहुंचे उसके बाद लोगों को समझाने की कोशिश की, यहां तक कहा गया कि आप शाहीन बाग से हट जाइए, रास्ते को खाली कर दीजिए और किसी और जगह अपना ये ड्रामा कर लीजिए, किसी और जगह जाकर ये प्रोटेस्ट कर लीजिए, आपको पार्क मुहैया करा देते हैं। लेकिन मजाल क्या, टस से मस नहीं हो रही है भीड़ भाई, रास्ता रोकने में जो मजा है वो कहां मिलेगा। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि देश का गृह मंत्री इस वक्त अमित शाह है, और अमित शाह अभी तक चुप बैठे हैं, और जिस दिन खोपड़ी घूमी उस दिन इनकी ऐसी तुड़ाई होगी कि अभी तक तो ये बैठे हैं, ये उसके बाद बैठने काबिल भी नहीं रहेंगे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यह कैसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन मित्रों, जिस रास्ते से हर रोज तकरीबन 5 लाख लोग गुजरते हैं, उस रास्ते को आप जाम करके बैठे हैं, राजधानी दिल्ली का एरिया है, और उस रास्ते को आप ऐसे जाम करके बैठे हैं जैसे आपके अब्बू जान ने ये रोड बनवाई हो। अरे ठीक है, लोकतंत्र में विरोध करना आपका हक है, विरोध कीजिए, लेकिन विरोध के भी तरीके होते हैं। यह तरीका नहीं होता कि आप एक रोड को जाम करके बैठ जाएं। होली आने वाली है, त्योहार आने वाला है, और ऐसे में अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई गलत काम हो जाता है या कुछ भी सांप्रदायिक हिंसा भी अगर भड़कती है या कुछ भी होता है दिल्ली में, अभी दिल्ली 3 दिन हिंसा से जूझ के चुकी है और शाहीन बाग की यह ज्यादा भीड़ अब भी उठने को राजी नहीं है, तो ऐसे में किसके जिम्मे होगा यह सब अगर कुछ अनहोनी होती है दिल्ली में, तो यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जाहिल भीड़ है, ज्यादा भीड़ है, सुनने को कतई राजी नहीं है और उठने को भी राजी नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि शव मिलने से हड़कंप मच गया है, और 3 शव अब तक मिल चुके हैं जिनमें से 1 शव की पहचान की जा चुकी है, और ये आपको बता दूं कि 35 साल के मदन थापा का यह शव बताया जा रहा है जो कि अशोकनगर में रहते थे और 3 मार्च से हरिनगर इलाके से ये लापता थे, और इसकी DD एंट्री थाने में दर्ज है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो दूसरा शव बरामद किया गया है इसके बारे में पुलिस का कहना है कि मृतक की उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास है और अभी तक इस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, और यह शव शाहीन बाग एफ ब्लॉक के पास नाले में मिला है, और यहीं से तीसरा शव भी बरामद किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार यह शव बरामद हो रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ये शव यहां पर आए कैसे, ये लोग कौन हैं, क्या इनकी हत्या की गई, क्या इनको मारकर डाला गया, और अगर मारा है तो किसने इनकी हत्या की है। इन तमाम पहलुओं के बारे में पुलिस जांच कर रही है, और जो शव बरामद हुए हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस खंगालेगी, पोस्टमार्टम के लिए भी इन शवों को भेज दिया गया है और शिनाख्त करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि इस जिहादी भीड़ को जो कि 83 दिन से बैठी हुई है सड़क पर, इसको कैसे उठाया जाए। हालांकि 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा,
सरकार अभी तक इसलिए खामोश है, केंद्र सरकार अभी तक इसलिए खामोश है क्योंकि इस प्रदर्शन में महिलाओं को आगे कर दिया गया है, बच्चियों को आगे कर दिया गया है, बुजुर्गों को आगे कर दिया गया है, और यही एक वजह है कि पुलिस अब तक खामोश है। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से जाता है तो उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, और कानून व्यवस्था संभालने का जिम्मा दिल्ली पुलिस के ऊपर है, और दिल्ली पुलिस अगर बैठने देती है तो वो बेहतर तरीके से ये भी जानती है कि इस रास्ते को खाली कैसे कराया जाएगा। तो मित्रों, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, साथ ही साथ देश से जुड़ा हुआ चैनल है हॉक फीड न्यूज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।